हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियो में बात किया है कि जब किसी कंडक्टर से होकर करंट पास होता है, मतलब जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब वह चालक अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अब अगर इस धारावाही चालक को, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, जरा सोचिए। आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। सोच लिया होगा आपने। तो देखिए, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर, यानी कि उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके वजह से वह धारावाही चालक विक्षेपित हो जाता है या अपने मूल रूप से, मूल जगह से थोड़ा सा हट जाता है। आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस चालक पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। तो उस चालक पर लगने वाले फोर्स के दिशा का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम में आ सकता है। यह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या? वह कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, आप जरा गौर से देखिए, अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस प्रकार से हम फैलाएं कि ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करे, मध्यमा धारा की दिशा को सूचित करे, तब ये अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को सूचित करेगा। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एक बार फिर समझते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी हमारे चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करे, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करे, मध्यमा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। और इसी सिद्धांत पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इससे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।